बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि मकई जो अब काश्त हो रही है, शूट फ्लाई का काफ़ी अटैक होता है इसके ऊपर, तो मकई को शूट फ्लाई से कैसे बचाया जा सकता है। देखें, इसका सीधा सा जवाब है, बीज को हमरे लगा लें या क्रूज़र लगा लें, कोई एक मुनासिब ज़हर सीड ट्रीटमेंट करके लगा लें ना, तो पहले 20 दिन तक तो जो है ना इसको अच्छी तरह कंट्रोल करके रखती है, नहीं आती। अगर सीड ट्रीटमेंट रह जाए ना तो बड़ा मसला बन जाता है, ये 10-15% तक भी नुकसान कर देती है। और ये 10-15% पौधों का नुकसान जो है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान है। देखें, शूट फ्लाई का ज़्यादा हमला जो है ना, ये बारिया फसल पर ही होता है। मक्खी के बच्चे जो है ना, मैगट जो हैं, वो मकई के पत्ते खुलने ही नहीं देते। तो अब फर्द के स्प्रे करके उसको कंट्रोल भी कर लें, तो फिर भी ये इसके दो शाखे होके पौधे जो है ना, दो तीन पौधे निकल आते हैं एक जगह पे, वो टिलर बन जाते हैं मकई के, उनको छली नहीं लगती। तो बेहतर यही है कि अगर तो सीड ट्रीटमेंट नहीं किया, फिर उगाओ होते ही ना, इंतज़ार नहीं करना कि पत्ते जो है ना वो उसके तूतियाँ बनना शुरू हुई तो फिर उसको स्प्रे करें, बल्कि उसके बगैर ही जो है ना, या कॉन्फिडार या मीडा क्लोप्रेट 250 मिलीलीटर ये कर लें, जो ताल स्टार है बाइफेंथ्रीन, ये भी की जा सकती है। एंडीजेंग का रिजल्ट मैंने देखा है कि एंडीजेंग जो आईसीआई की प्रोडक्ट फिप्रोनियल प्लस क्लोरपाइरीफॉस, ये 500 मिलीलीटर का साफ थी, ये भी की जा सकती है। एडवांटेज जो है ना कार्बोसल्फान जो है, वो अगरचे बड़ी ज़बरदस्त थी इस हवाले से, लेकिन वो अब उसकी मार्केटिंग ही नहीं हो रही। वर्कैफ अमीडा क्लोप्रेट जो दस्तियाब है, इसको जो है ना बर वक्त स्प्रे करके, बल्कि 2 मरतबा भी स्प्रे करने की ज़रूरत दरपेश हो सकती है।